की स्टूडेंट रविंद्र निकेतन की ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में ज्वाइन करिए। आज मैं आपको सोशल साइंस जियोग्राफी का चैप्टर फर्स्ट सॉरी सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग डायवर्सिटी, तो ये सिविक्स का चैप्टर है सॉरी डायवर्सिटी के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगी। व्हाट इज डायवर्सिटी, हमारे इसमें डायवर्सिटी क्या होती है, हाउ डू वी एक्सप्लेन डायवर्सिटी, अपन डायवर्सिटी को किस तरीके से बताएंगे। तो कल अपन ने प्रीवियस क्लास में क्या देखा था, लद्दाख के बारे में, लद्दाख एक डेजर्ट है, वहाँ पर क्या है जम्मू और कश्मीर, वहाँ पे एग्रीकल्चर जम्मू और कश्मीर का पार्ट होता है, यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत कम रहती है, तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं सीप भेड़ का पालन करते हैं और पश्मीना ऊन उससे निकालते हैं, पश्मीना साल, ठीक है ना, पश्मीना साल बेच के अपना जीवन यापन करते हैं। पश्मीना साल की जो कास्ट है वो बहुत ज़्यादा महंगी रहती है, इससे वो बहुत सारे पैसे बना लेते हैं। लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल एंड सीप एंड सेल ट्रेडर्स, जो पीपल होते हैं लद्दाख के उसे कलेक्ट करते हैं और उसे सेल करते हैं ट्रेडर्स को, ठीक है, कश्मीर में। और ये जो पीपल रहते हैं मीट और मिल्क प्रोड्यूस, जैसे कि खाते क्या है दूध और मीट, और प्रोड्यूस क्या करते हैं इससे चीज़ और बटर, ये सारी चीज़ें खासकर ये एनिमल पे डिपेंड रहते हैं। अपन पढ़ेंगे केरला, केरल के बारे में अपन सब कुछ जानते ही हैं, केरल नारियल की सबसे ज़्यादा पेड़ वहाँ पे होते हैं। ये सब डायवर्सिटी जिससे बता रहे हैं कि अलग अलग देशों में अलग अलग डायवर्सिटी अपने को मिलती है। केरल इज ए स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया, केरल एक स्टेट होता है साउथ वेस्ट कॉर्नर का, इट इज़ सराउंडेड बाय द सी, ये सी के पास होते हैं और इसमें हिल साइड और हिल रहती है, अदर अदर पहाड़ियाँ भी रहती है। इसमें बहुत सारी स्पाइसेस की खेती की जाती है, जैसे पेपर क्लोव्स, ब्लैक पेपर मतलब मिर्ची की, काली मिर्च की, लौंग की और कार्डमम इलायची की, ठीक है, हिल्स पे उगती है। और ये स्पाइसेस क्या बनते हैं 2000 ईयर्स पहले क्रिश्चियन इंडिया के लोग यहाँ पर आए थे। इसके अलावा बहुत सारे अरब ट्रेडर भी यहाँ पर आए, यहीं पर क्या होगा सेटल हो गए, ठीक है। इब्न बतूता ये ट्रेवल करा लिटिल लेस देन 700 ईयर्स एगो, 700 साल पहले आया था, उसने ट्रेवलिंग को डिस्क्राइब करा, जिसमें मुस्लिम ने क्या कहा कि ये हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी, उसने क्या बोला कि इब्न बतूता ने क्या देखा जो मुस्लिम है वो हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी या समाज है। और पोर्टुगल ने क्या डिस्कवर करा, सी रूट डिस्कवर किया इंडिया में, ठीक है, वास्को डी गामा यहाँ पे आया था सी के थ्रू, ये देखो। और यहाँ पे आप जो केरला की सब विशेषता बता रहे थे कि केरला में क्या क्या होता है, बिकॉज ऑल वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस पीपल इन केरला प्रैक्टाइज डिफरेंट रिलीजन, यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन के लोग पाए जाते हैं, जैसे कि जैन, इस्लाम, क्रिश्चियन, हिंदू और बुद्ध, ये मतलब चारों धर्म को मानने वाले लोग पाए जाते हैं। फिशिंग में जो अपने मछली पकड़ने का जाल होता है इसमें जो हुक रहता है वो चाइनीज फिशिंग नेट कहलाता है, इसे चीना वीला कहते हैं, क्या कहते हैं चीना वाला। और इसमें जो यूटेंसिल होते हैं इसको यूज फॉर इवन द यूटेंसिल यूज फॉर फ्राइंग स्कॉर, जो फ्राइंग यूटेंसिल होते हैं इसको बोलते हैं चीना चट्टी, ठीक है ना, केरला के नाम वर्ड है जो अपन बताए गए हैं इसके अंदर। और ये बर्ड किस में बिलीव करते, कौन से वर्ड में बिलीव करते, चीन, ठीक है, जो किस्सा है चाइना से। वो जो फर्टाइल लैंड होती है यहाँ पर मेजोरिटी फाइव में राइस सबसे ज़्यादा राइस कल्चर होती है, फीस की यहाँ पर फीस को पकड़ते हैं, ठीक है। तो केरला की सारी विशेषता भी बताई है, केरला जियोग्राफी का एरिया बताया है, क्या क्या वहाँ पे काम किया जाता है, तो द बोर्ड प्लेस यहाँ पर इम्पोर्टेंट बोर्ड प्लेस होती है, फोर्ट्रेस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है यहाँ पर। अब आगे पढ़ेंगे, केरला और लद्दाख डिफरेंट है, आपने देखा ना लद्दाख डेजर्ट है, केरला अलग है, दोनों डिफरेंट टर्म में है, जियोग्राफी का फीचर है। द स्टोरी ऑफ बोथ रीजन, ये जो बोथ रीजन स्टोरी होती है इनकी, ये क्या होती है सिमिलर कल्चर के होते हैं, कल्चर इनका सिमिलर रहता है, रीजन इनके अलग अलग होते हैं, इसमें चाइनीज और अरब पाए जाते हैं। इसमें जियोग्राफर का जो केरल होते हैं उसमें किसकी खेती की जाती है, स्पाइसेस या मसाले की ज़्यादातर केरला में खेती की जाती है।
merely think it fast, our present lives are never moving place to place forward with each other culture tradition. हम पुराने समय में नहीं, हम आज पे अगर देखे जाए तो अपने कल्चर में ही जीते हैं. अपन अगर कहीं पे भी रहते तो अपन कहीं ना कहीं उनसे ज्यादा दोस्ती करते हैं, नेबर से जो अपने ज्यादा क्लोज रहते हैं, अपने सिमिलर रहते हैं. अपने ऐसे अगेंस्ट देखे तो उनसे दोस्ती करते हैं या पड़ोस में भी नहीं करते, उनसे ज्यादा दोस्ती करते जो हमारे कास्ट के भी रहेंगे या जो हमारे धर्म के रहेंगे. तो हम ज्यादातर किससे क्लोज हो जाते हैं, नेबर के भी उससे क्लोज होते हैं जो कि हमारे सिमिलर कास्ट के रहेंगे या सिमिलर रीजन के रहेंगे. ठीक है, तो यही हमारे किसको बताता है, डाइवर्सिटी को बताता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी. अब डाइवर्सिटी इन यूनिटी, ये तो हो गया डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी में भी क्या यूनिक चीज पाई जाती है वो आप बताइए. इंडिया में जो डाइवर्सिटी है वो उसकी स्ट्रेंथ है. अगर मान लो हम अनेक अलग अलग होके भी एक है तो ही ये हमारी स्ट्रेंथ है, शक्ति बनती है. जब ब्रिटिश ने क्या करा, इंडिया में शासन करा अंग्रेजों ने, तो वुमन और मेन, जो मेन और वुमन थे वो अलग अलग कल्चर के आए, अलग अलग उसके आए. ठीक है, मैन और वुमन अलग अलग कल्चर के आए और फिर अलग अलग बैकग्राउंड के आए, वो आपस में एक दूसरे के पास आए, वो फ्रीडम करने लग गए, लड़ने लग गए, थाउजेंड ऑफ थाउजेंड. और जो बैकग्राउंड भी इनका डिफरेंट था, वो अलग अलग डिफरेंट बैकग्राउंड से आए, एक होके क्या हो गए, ज्वाइन होने लग गए. किसके, ब्रिटिश के खिलाफ. खाली वो अलग धर्म अलग संस्कृति के थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ जब उनको लड़ना हुआ तो वो सब एक हो गए. दे वेंट टू जेल टुगेदर, वो जेल भी साथ में गए. उन्होंने डिफरेंट वे में ब्रिटिश के खिलाफ कहीं ना कहीं शासन लागू किया. उन्होंने इंडियन को कंटिन्यू रूल करा, उन्होंने डिवाइडेड रूल अपनाया था. किसने, ब्रिटिश ने. लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से अलग नहीं हुए और वो यूनाइट हो गए किसके, बेटल अगेंस्ट, सॉरी उनके विरुद्ध लड़ाई में, जो सारे अपने इंडियन मैन वुमेन जो डिफरेंट रीजन से आए, डिफरेंट उससे आए, वो सब एक हो गए. और इसके लिए आपको एक पोयम बताई गई है, डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड ऑफरिंग इन द मेडेस यूर हैप्पीनेस, ये एक पोयम थी. अभी जो सॉन्ग लिखा था किसने लिखा था, दिस सॉन्ग इज संग बाय जलियांवाला बाग मास्कर इन अमृतसर. ये सॉन्ग कब गाया गया था, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में, एक ब्रिटिश जनरल ने क्या करा था इस मास्कर में, कि ब्रिटिश जनरल ने फायर कर दिया था. बहुत सारे पीपल थे जो कि बिल्कुल शांतिपूर्ण पीसफुल तरीके के पीपल थे, उन्होंने कभी कुछ गलत भी नहीं किया था. एक ओपन एरिया में एक ब्रिटिश जनरल ने गोली चला दी थी अंदर, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे. मेन भी मर गए थे, वुमन भी मर गए थे, हिंदू मर गए थे, सिख मर गए थे, मुस्लिम भी हुआ बहुत सारे. फिर ये जब मरे तो इनके मेन वुमन हिंदू सिख मुस्लिम ये रिच पुअर है सारे जो लोग हो गए एक हो गए. इसके अगेंस्ट हो गए ब्रिटिश के, अंग्रेजों के अंग्रेजों को पैसा उन्होंने क्या था किसी को मार सकते हो, तो सारे लोग उनके अगेंस्ट हो गए थे. ये संगी इससे कंपेयर किया गया था उसी बेरो पीपल के याद में ये संग कंपोज किया गया. सॉन्ग एंड सिम्बॉल, जो भी अपन गाना गाते हैं जो सिम्बॉल रहते हैं फ्रीडम फाइटर के लिए हमारी कंट्री में, वो हमें उसकी रिस्पेक्ट बताता है कि डाइवर्सिटी में क्या क्या उनको हम सम्मान दिया था, उसके सम्मान में गाना गाया गया था. आपको स्टोरी पता है इंडियन फ्लैग की, जो अपन झंडा बंदर होता है इंडिपेंडेंस डे पे, उसकी कुछ स्टोरी पता है क्या? इट वाज यूज एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय पीपल एवन. ये एक सिंबल था इसके खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ, जो कि अपन इंडियंस ने करा था. संकेत बताता है ये झंडा लहराता मतलब हम जीत गए. इस बुक में आप डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, इन दिस बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू. कौन सी बुक, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, जो इंडियन की यूनिटी है वो कभी आउटसाइड वो क्या होती है, और दिन प्रतिदिन क्या होती है, अभी बढ़ती जा रही है. अगर हम उस पर बिलीव करेंगे तो ही हम उस पर, हम जो अगर मान लो सब एक हो जाएंगे तो ही हम ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई कर सकते हैं. यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब डाइवर्सिटी होते भी हम यूनिट हैं, एक है, यही हमारी कंट्री को डिस्क्राइब करता है. ठीक है, आज का चैप्टर क्या था, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी को अपन ने समझा, चलो डाइवर्सिटी तो है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग सब कुछ चीज़ें हैं, लेकिन उसके बाद भी इनइक्वल होके भी हम इक्वल क्यों हैं, क्योंकि हमारे में डाइवर्सिटी होते भी हम यूनिटी है. इसमें उदाहरण का किससे बताया गया आपको, पहले में जब अपना देश आजादी होता, जब अंग्रेजों के खिलाफ ब्रिटिश के खिलाफ अपन ने एकता होकर लड़ाई करनी,
कल अपन पढ़ेंगे, ये आपका चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है, अब अपन नेक्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का, ठीक है।